हे गाइस, वेलकम टू 5 मिनट स्टॉक एनालिसिस वीडियो, जहां पर हम 5 मिनट के अंदर किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि रिसेंट में हमको कहां ट्रेड मिल सकता है और उस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम किसी भी इंडिकेटर का यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ प्राइस एक्शन को यूज़ करके पूरा एनालिसिस करते हैं और उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। सो गाइस यार, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। हम आ चुके हैं टाटा मोटर्स के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर एंड हमारा इसके अंदर जो टारगेट 1 था वो हमारा हिट हो चुका है। सो क्या अब हमको इसमें और फ्रेश बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक करें, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत कुछ लर्निंग इस वीडियो में मिलने वाली है, राइट। सो यहां पर देख सकते हो मैंने इसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया और हमारा जो टारगेट 1 था वो डेफिनेटली अचीव हो चुका है। यहां पर जैसे कि मैं आपको एक ट्रेंड लाइन से दिखाता हूं, जो हमारा टारगेट 1 था ऑलमोस्ट ये था, देख सकते हो इसके पास में प्राइस आ चुकी है, ऑलमोस्ट हमारा टारगेट 1 हिट हो चुका है, राइट। इसमें मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है मेरा, तो डेफिनेटली आप जाके उस वीडियो को देखें एक बार, तभी आपको ये वीडियो थोड़ा अच्छे से समझ में आने वाला है। तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ये हमारा एंट्री पॉइंट था, इस लेवल पर मैंने आपको एंट्री दी थी। ये जो मैं थोड़ा सा एरो से आपको दिखा देता हूँ तो आपको एक्यूरेट समझ में आएगा। ये जो कैंडल आपको दिख रही है, यहाँ पर मैंने आपको एंट्री दी थी और नेक्स्ट डे यहाँ पर रीटेस्ट हुआ था और यहीं पर मैंने आपको कंफर्मेशन बोल दिया था कि यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो। और हमारा जो टारगेट था ऊपर में, जो इसका लास्ट स्विंग हाई था जो स्टार्टिंग में बनाया था, इसने ऑलमोस्ट 530 के अराउंड, जो कि हमारा ऑलमोस्ट हिट हो चुका है, देख सकते हो उसके पास में रिसेंट में प्राइस ट्रेड करी। तो हमारा जो टारगेट 1 था डेफिनेटली अचीव हुआ और हमारा स्टॉप लॉस था इस, ये जो लास्ट नीचे में ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे जो दो आपको लास्ट में रेड कैंडल आपको देखने को मिल रही है, इसके नीचे था, राइट। सो मैं इसको हटा देता हूं, थोड़ा सा आपके लिए जूम इन करके दिखाता हूं, राइट। सो हमारा जो स्टॉप लॉस मैंने आपको दिखाया था थोड़ा सा नीचे, और कर सकते हो ये हमारा एक्यूरेट स्टॉप लॉस था, यानी कि 470 के अराउंड हमारा स्टॉप लॉस था और टारगेट 1 था हमारा ऑलमोस्ट ऊपर में, जो ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन आपको दिखाई थी 530 के अराउंड, जो ऑलमोस्ट हमारा टारगेट अचीव हो चुका है, जहां पर आप क्लियरली देख सकते हो। तो मैंने आपको उस टाइम पर ट्रेड दिया था, बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में थे कि ले कि नहीं ले, काम करेगा कि नहीं करेगा। मैंने आपको सब कुछ बताया था डिटेल में कि क्यों ये काम करने वाला, उसके पीछे का रीज़न मैंने सब कुछ उस वीडियो में आपको बताया है। सो मेक श्योर करें कि वो वीडियो एक बार नहीं देखा है तो आप जरूर देख ले, ताकि इस स्टॉक के अंदर आगे की हमारी क्या प्लानिंग होगी वो भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आने वाली, राइट। तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि यहां पर हमको एक शानदार फ्लैग एंड पुल पैटर्न देखने को मिल रहा है, कुछ इस टाइप का पैटर्न। अगर आप इस पैटर्न को पहचानते हो तो अच्छी बात है, नहीं पहचानते हो तो मैं आपको बता देता हूं। देखो, एक शानदार फ्लैग एंड पुल पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है, जहां पर काफी लॉन्ग कंसोलिडेशन हो चुका है, नीचे में वॉल्यूम भी काफी गिर चुका था, सब कुछ मैंने उस वीडियो में डिटेल में बताया, राइट। सो यहां पर देख सकते हो रिसेंट में हमारा जो टारगेट 1 है ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है, राइट, और यहां पर 1:1 से भी ज्यादा हमारा टारगेट अच्छी हुआ, राइट। सो अब क्या हमको इसमें फ्रेश बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसका एक्यूरेट एंट्री स्टॉप लॉस कहां होना चाहिए, तो वो सब अब हम डिटेल में जानेंगे, राइट। तो देख सकते हो सबसे पहले क्या हुआ, इसके अंदर एक यहां पर थोड़ा सा टारगेट 1 हमारा ऑलमोस्ट हिट हो चुका है, तो यहां पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा प्राइस वेट कर रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि प्राइस यहां पर वेट कर रही है। अगर इमीडिएट सेलिंग आती तो डेफिनेटली हम इसमें प्रॉफिट बुक कर लेते, लेकिन हमने अभी तक प्रॉफिट बुक नहीं किया है। अगर आपके पास ये होल्डिंग में पड़े तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा इसको होल्ड करके रखें, क्योंकि अब इसके अंदर नेक्स्ट ब्रेकआउट होने वाला है, तो हमको थोड़ा सा अर्ली एंट्री नहीं करना। जैसे अभी आपके पास स्टॉक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इसमें फ्रेश बाइंग की अभी सोच रहे हो तो मैं कहूंगा थोड़े दिन रुक जाओ, एक दो दिन आप रुक जाओ, इस स्टॉक को थोड़ा सा सेटल होने दो, एक अच्छा ब्रेकआउट होने दो, उसके बाद एंट्री लो। इमीडिएटली आपको अर्ली एंट्री नहीं लेनी, 2 रुपये कम कमाएंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है कि अगर हम राइट टाइम पे एंट्री लेंगे और ब्रेकआउट होने के बाद एंट्री लेंगे तो बहुत अच्छा है। उससे पहले अगर हमने एंट्री ले ली तो डेफिनेटली हम इसमें फंस सकते हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ना तो आपके हाथ में है कि स्टॉक कहाँ जाएगा, ना मेरे हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है। मार्केट अपने हिसाब से नहीं चलता, राइट, हमको मार्केट के हिसाब से चलना है, राइट। ये चीज़ आप आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। सो यहाँ पर देख सकते हो क्या हुआ, मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि यहाँ से हमको एक शानदार रैली देखने को मिलेगी, टारगेट 1 को हिट करेगी प्राइस, उसके बाद थोड़ी सी सेलिंग हमको देखने को मिल सकती है एक दो दिन, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद अगेन जब ब्रेकआउट होगा तब हम इसमें नेक्स्ट ट्रेड के लिए एंट्री ले सकते हैं। यानी कि जो नए लोग वो एंट्री लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, और जो पुराने लोग हैं जो ऑलरेडी इसमें होल्डिंग करके बैठे हैं वो लोग वो चाहे तो अपनी क्वांटिटी को और बढ़ा सकते हैं। तो वो हमारा एक्यूरेट पॉइंट कहाँ होगा वो मैं आपको अब दिखा देता हूँ, राइट। तो सबसे पहले मैं इस ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को हटा देता हूँ, राइट। सो यहाँ पर अब हमारी नेक्स्ट एंट्री इस लेवल के आसपास होगी, जहाँ पर मैं एक जोन को क्रिएट करके दिखाऊंगा। यहाँ पर देख सकते हो हमने एक जोन क्रिएट किया है, अब हमारी इसमें नेक्स्ट प्लानिंग क्या होगी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगी, राइट। अब ये जो मैंने जोन क्रिएट किया ऊपर में, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, राइट। सो जब तक ये ब्रेक नहीं होता है तब तक हम इसमें
एंट्री नहीं ले सकते हैं, क्या करना है हमको थोड़ा सा वेट करना है, राइट। सो अगर आप अभी इसमें फ्रेश बाइंग के लिए कर सोच रहे हो तो थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर ऑलरेडी आपके पास पोजीशन है तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा इसमें वेट कर सकते हैं नेक्स्ट पोजीशन बाय करने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि मैं अभी बाय कर लूँ थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो मुझे 2 रुपये का और ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा या 10 रुपये का और ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप 2 रुपये कम कमाओगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो सेफली आने चाहिए। हमको कन्फर्मेशन के बाद ट्रेड लेना, हमको अर्ली एंट्री बिल्कुल नहीं करती। ज़्यादातर रिटेलर्स यही गलती करते, या तो वो अर्ली एंट्री कर देते या वो ट्रेड निकल चुका होता है और लेट एंट्री करते हैं। तो ये दोनों गलती हमको नहीं करनी। अगर आप मेरे चैनल पे आए हो देखने के लिए वीडियो, तो बिल्कुल मैं चाहता हूं कि मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन जो चीज है, जो वास्तव में एंट्री स्टॉप लॉस जहां पर होना चाहिए वो चीज मैं आपको दिखाऊं, जो चीज मैं खुद करता हूं। यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ और सिखा रहा हूँ और मैं कुछ पीछे से और कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको पता है, अगर मेरे आप पुराने व्यूअर हो तो ये चीज़ आपको पता होगी कि मैं जो भी आपको ट्रेड देता हूँ ऑलमोस्ट मैं वो खुद भी उन ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ और बाद में उनका वीडियो बनाकर डालता हूँ, राइट। सो अभी बहुत सारे वीडियो मैंने अभी रिसेंट में बहुत सारे ट्रेड मैंने आपको दिए, तो मैंने खुद भी बहुत सारे ट्रेड लिए। मैं सबका वीडियो वन बाय वन हर एक स्टॉक का वीडियो बना के लिए आपके लिए अपलोड करूंगा, ताकि आपके आपको ऐसा ना लगे कि मैं कुछ अलग आपको कुछ गलत चीज़ सिखा रहा हूँ, राइट। जो मैं करता हूँ वही चीज़ सिखा रहा हूँ और ऑलमोस्ट ये बात नहीं कि प्रॉफिट कमा के दिखाऊंगा, राइट। ऐसा नहीं है कि नुकसान होगा तो नुकसान भी दिखाऊंगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, दोनों चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, पूरा अपना पोर्टफोलियो आपको दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। सो अब यहां पर देख सकते हो हमारा क्या हुआ है कि ये ऊपर वाला जो ये जोन दिख रहा है आपको 1530 से लगाकर ऑलमोस्ट 1530 से हम थोड़ा सा ऊपर और ले सकते हैं, क्योंकि हमको एक्यूरेट एंट्री चाहिए। तो 1530 से 1536 यानी ये एक मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, तो हमको एंट्री करना है 1540, राइट। हमको 2 रुपये लेट एंट्री करेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज को ये चीज़ समझनी, 1540 के ऊपर आपकी एंट्री हो सकती है। कैसे एंट्री होगी मैं पहले आपको बता देता हूँ। एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होना चाहिए और नीचे में जो वॉल्यूम कैंडल आप देख रहे हो, एक हैवी वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट होता है और वो ब्रेकआउट सस्टेन होने के बाद नेक्स्ट डे अगर वहाँ पर एक बुलिश सिग्नल ये देखने को मिलता है तभी आपको एंट्री लेना है। और फिर आपको स्टॉप लॉस कहां होगा, जेन्युइन स्टॉप लॉस, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, राइट। तो आपका क्या है, स्टॉप लॉस हिट ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि चलो एंट्री तो हम कभी भी ले सकते हैं, ठीक है, एक दो रुपए ऊपर भी चला गया तो भी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन मेन ये कि अगर हमने एंट्री ले ली तो स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूं। नेक्स्ट प्लानिंग हमारी होगी 1540 के आसपास हम एंट्री ले सकते हैं, जब भी क्लोजिंग मिलनी चाहिए डेली टाइम फ्रेम पर। ऐसा नहीं है कि आप अर्ली एंट्री ले लो, या तो एंड ऑफ द डे एंट्री लो, यानी कि 2 बजे के बाद या 3 बजे के आसपास आप एंट्री ले सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट वहां पर क्लोजिंग का टाइम आता है तो रियल जो वैल्यू होती है स्टॉक की वो वहां तक पहुंच जाती है, राइट। हमको मॉर्निंग में ट्रेड नहीं लेना, हमको ट्रेड लेना है इवनिंग में, और उसके बाद अगर नेक्स्ट डे लेते हो तो फिर तो वो मॉर्निंग में होगा क्योंकि वो ब्रेकआउट हो चुका होगा, राइट। सो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, जेन्युइन स्टॉप लॉस होगा अब हमारा यहाँ पर इसके नीचे, यानी कि 500 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि थोड़ा सा आपको बड़ा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा बनाने वाले हैं हम यहाँ पर, तो हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड होगा नेक्स्ट, हमारा ऑल टाइम हाई जो इसका है 600 के अराउंड इसका ऑल टाइम हाई रही, तो हमारा टारगेट होगा इसका ऑल टाइम हाई। अब इसके अगर ऊपर 540 का अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर सीधा प्राइस जाके रुकने वाली है 600 के अराउंड, बीच में कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं, सीधा टारगेट हमारा 600 है। तो यहाँ पर भी हम देखें तो ऑलमोस्ट 1:2 के अराउंड हमारा जो टारगेट है वो बन रहा, राइट, जो अपना जो ये टारगेट बनने वाला, राइट। सो आई होप ये चीज समझ पा रहे हो। और हमको उसके बाद क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो भी हम कमा रहे हैं हमको सबसे पहले उस कैपिटल को सेव करना है, यानी कि जो पैसा लगाया कम से कम उसका नुकसान ना हो। तो उसके लिए क्या करना है, एक बार हमारा टारगेट ऑलमोस्ट हिट होने वाला हो तो उसके बाद आपको अपना स्टॉप लॉस यहां से शिफ्ट करना है। जैसे जैसे प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगी हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेड करेंगे, और जो हमारी एंट्री पॉइंट होगी यानी कि 440 के अराउंड, तो हम 430 के नीचे रखें। हमको हमारा मनी सेव करना, राइट, हमको पैसा कमाना वो हमारा मोटिव नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी हम, अगर हमने हमारा कैपिटल को सेव कर लिया तो पैसा हम ऑलरेडी डेफिनेटली कमा लेंगे, राइट। ये चीज अगर आप समझ गए तो आप डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में सक्सेस हो सकते हो। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, काफी सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ भी नहीं, कोई फंडामेंटल नहीं, कुछ भी, सिंपल मैं प्राइस एक्शन को आपको सिखाता हूं और वही मैं खुद करता हूं और उसी से हम पैसा बनाते, राइट। सो आई होप कि ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी, काफी सिंपल तरीके से मैंने समझाया। और एक आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पुराना वीडियो आपको जरूर देख ले, ताकि आपको आगे इसमें ट्रेड लेने में काफी आसानी होगी, आपको बहुत साइकोलॉजी, बहुत हेल्प मिलने वाली साइकोलॉजी के लिए, राइट। सो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे स्टॉक के साथ।